देवरिया में पुरानी रंजिश में कांग्रेसी नेता को लाठी डंडे से पीटा, 6 पर केस दर्ज। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा बढ़ाने पर दिया जोर, ईमानदारी से काम करने की दी नसीहत। गोरखपुर में सड़क हादसों में बैंक अधिकारी सिपाही समेत 3 की मौत। गोरखपुर में मोदी योगी की जगह अखिलेश यादव से संबंधित गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट। गोरखपुर में होली के दिन सड़क हादसे में 110 से अधिक घायल, कई लोगों को किया गया रेफर। गोरखपुर में रिटायर्ड रेल कर्मी के बेटे से नकदी व मोबाइल फोन लूटा, पुलिस कर रही जांच। गोरखपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर फावड़े से हमला, हालत गंभीर। गोरखपुर में सीएम योगी को उपहार में मिला चांदी का बुलडोजर, अब लोग बुलाते हैं इन्हें बुलडोजर बाबा। यूपी में सीएम योगी ने गोरखपुर से किया पोलियो अभियान का शुभारंभ, बोले सशक्त भारत का हिस्सा है स्वस्थ भारत अभियान। लखनऊ में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, एमबीबीएस के 3 छात्रों की मौत, एक गंभीर। कवि सम्मेलन में देर रात तक बही रस की धार, जनता लाइब्रेरी का शानदार आयोजन। बढ़लगंज उपनगर के जनता लाइब्रेरी द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन रस संघ की शुरुआत माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के पश्चात कवित्री प्रियंका राय ने किया और अपनी वीरस की कविताओं से मंच का आरंभ किया। इस अवसर पर मदरिया कुटी के महंत श्रेष्ठ दास जी, बीजेपी नेता महेश उमर, आलोक त्रिपाठी, राजीव पांडे, आनंद त्रिपाठी, डॉक्टर परमहंस सिंह आदि लोग शामिल रहे। सप्त दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन गोला गोरखपुर। डीएवीपीजी कॉलेज गोरखपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना दयानंद इकाई की सप्त दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना है। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, डॉक्टर विनोद गुप्ता, डॉक्टर संजय पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। लाल बहादुर शास्त्री आईटीआई पर 329 मेधावियों को मिला टैबलेट, खेल उठे चेहरे। गोला गोरखपुर उपनगर गोला स्थित लाल बहादुर शास्त्री निजी आईटीआई अतरौरा में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 329 मेधावी टैबलेट पाकर उनके चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सेंट जेवियर स्कूल भरचड़ा के प्रबंधक व समाजसेवी जेपी चंद ने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए उनके योग्यता का सम्मान करती है। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला कोषाध्यक्ष सतुतन कसौधन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा मेधावियों को पुरस्कृत करने का जो निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रिंसिपल पूनम श्रीवास्तव, राजकुमार अमित श्रीवास्तव, इमरान अंसारी, अभिनंदन चंद, विशाल चंद, अजय चंद, अमित श्रीवास्तव, प्रदीप मौर्य, रवि श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होर्डिंग क्षतिग्रस्त किए जाने पर लोगों ने कार्रवाई की मांग। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के वेवरी चौक पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महाकारुणिक तथागत बुद्ध की होर्डिंग पोस्टर को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद गौतम बुद्ध सेवा समिति के पदाधिकारियों व समर्थकों ने गोला थाने पर पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषी पाए जाने वाले अराजक तत्वों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए कई लोगों के सहस्तारित युक्त तहरीर दी है। इस दौरान मंगेश कुमार, ज्योतलाल चंद, मनोज श्रीराम, शैलेश अभिषेक, शिवम कुमार, विनोद बासफोट, दीपक कुमार, प्रमोद कुमार, हरिचरण गुप्ता, अजय कुमार, सोनू राव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। अधिवक्ता शैलेश सिंह ने कहा कि तिरंगा ही रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। बासगांव आरएसएस के नेता कलाड़का प्रभाकर हिंदू एकजुट हुए तो एक दिन तिरंगे की जगह भगवा झंडा बनेगा। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अधिवक्ता शैलेश सिंह ने कहा कि तिरंगा ही हमेशा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। देखिए, हमारा राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है वो संसद में उसके हर रंग को डिफाइन किया गया है और वो तिरंगा झंडा हमें हमारा जो है जहाँ तक मैं समझता हूँ वो हमेशा रहेगा।
रही बात भगवा की, तो भगवा तो एक हिंदू विचारधारा जो संस्कृत से आई है, हिंदू संस्कृत से, वो बनी रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कि वो जो है तिरंगा के जगह उसको स्थान दे दिया जाए, मतलब ये चीज़ें, इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो वही रहे और उसकी शान पूरे विश्व में ऐसे ही फहराती रहे जैसे मेरा तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराता है। और रही बात यह है कि अब तो हिंदुओं को इज्जत मिल रही है, अब हिंदुओं की सरकार है जिसमें सभी वर्गों को महत्व दिया जा रहा है। और प्राचीन काल से ही ले लीजिए कि क्षत्रिय हमेशा जो है सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों की रक्षा किए हैं। आज एक क्षत्रिय को मिला है कमान संभालने के लिए, और एक ऐसे ऋषि योद्धा कह लीजिए मोदी जी को, जिनकी विचारधारा बहुत ही निर्मल है, आज उनके प्रसाद पर्यंत और उनके सत्यनिष्ठ विचारधारा से हमारा भारत देश आज ऊंचाइयों पर गया है, जहां पूरे विश्व के लोग आज भारत के सभी वासियों को एक अच्छे नज़र से देखते हैं, इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। वह वक्त आ गया है और उसी वजह से आज भारतवासी बहुत ही सम्मान के साथ गौरवान्वित हो रहे हैं। अधिवक्ता शैलेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने का वादा पूरा करेगी बीजेपी। बासकाम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने का वादा बीजेपी पूरा करेगी। 2019 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसके पहले संसद में हमारे जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी ने खुले तौर पे कहा था कि मैं पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर रहूंगा, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। भाजपा के जो शीर्ष नेता जो भी कहे उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास किए हैं, और उनके इस कथन से जनता में यह संदेश गया कि जो हमारी आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से को जबरन कब्जा कर लिया था वो अब इस सरकार वापस लाएगी। ये भरोसा इस आधार पे लिया जा सकता है क्योंकि मोदी और शाह जी की जोड़ी जो वास्तव में विश्व पटल पे छा गई है, और वो जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। तो एक वक्त आएगा जिस दिन पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत के कब्जे में आएगी और वो भारत का हिस्सा बन जाएगा जिसमें भारत का कब्जा होगा। बड़हलगंज पुलिस ने वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन में थाना बड़हलगंज पुलिस फोर्स के द्वारा मुकदमा संख्या 348/18 धारा 138 NI एक्ट से संबंधित वारंटी सुमित चौरसिया पुत्र सत्यप्रकाश चौरसिया निवासी मेसर्स प्रकाश कार्ड मुकुट एवं रंगघर सेंटर मेन रोड सब्जी मंडी नई हनुमानगढ़ी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोला थाना क्षेत्र निवासी मनभड़ियू को द्वारा 10 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित बासगांव विधायक, बासगांव सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए अभद्र टिप्पणी के आरोप में आकाश यादव पुत्र राम आशीष यादव निवासी पड़ेनिया थाना गोला को गिरफ्तार किया गया है। युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करती है रासेव। बड़हलगंज शांति सशक्तिकरण स्नाकोत्तर महाविद्यालय सिधुआपार की प्राचार्य डॉक्टर भावना त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जा सकती है। युवाओं में इससे राष्ट्रभक्ति की भावना भी जागृत होती है। वे राष्ट्रभक्ति सेवा योजना के सप्तदिवसीय विशेष शिविर उद्घाटन पर स्वयंसेवक सेविकाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर
प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, बेबी पांडे, संगीता यादव, कमलेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पीएचसी कौड़ी राम पर पिलाई गई दो बूंद जिंदगी के लिए। पल्स पोलियो अभियान का फिर हुआ शुभारंभ। कौड़ीराम गोरखपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज बूथ पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कल से टीम घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि पोलियो अभियान का स्लोगन है कि कोई भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, इसलिए हमें अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलानी चाहिए। नगरी कलिका शक्तिपीठ के गठन हेतु बैठक कर मंदिर परिसर को विकसित करने और मेला आयोजित करने का संकल्प लिया। बांसगांव। नगरी कलिका शक्तिपीठ पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के जागरूक और संभ्रांत नागरिक गण सेवा समिति के गठन हेतु बैठक कर मंदिर परिसर को विकसित करने और मेला आयोजित करने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता श्री अजय सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष बांसगांव ने किया। बैठक में ग्राम प्रधान कुसमौल बरवल सहित कुल 25 ग्राम प्रधान एवं इंस्पेक्टर अनिल सिंह, कृष्ण मोहन पांडे, एडवोकेट अमरजीत सिंह, विनोद सिंह, अरविंद मौर्या, गिरजेश कसौधन, अनूप शाही, नवनाथ गुप्ता, महिपाल शाही, पूर्व प्रवक्ता संतोष शाही सहित कुसमौल के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नाली बनी मौर्या टोली के लिए अभिशाप। नगर पंचायत उनवल के वार्ड नंबर 4 में स्थित मौर्या टोला में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से नाली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऊपर से वही नगर पंचायत के एक हिस्से में नालियों का बदबूदार पानी नाली के अभाव में इसी मोहल्ले में गिरकर चारों तरफ पसर कर वर्षों से 25 से 30 बीघा लोगों का खेत बर्बाद कर चुकी है। जहां कभी एक दशक पूर्व हर मौसम की फसल साथ में कोइरार कर सब्जियां उगाकर यहां के लोग अपने परिवार का खुशहाली के साथ भरण पोषण किया करते थे, पर आज वही बेचारे अपने दिनहीन दशा पर आंसू बहाकर अपनी आप बीती सुनाते हैं। क्या कहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष उमा शंकर निषाद, यहाँ की समस्या काफी गंभीर है। फसल काटने के बाद मिल बैठ कर नदी तक नाली निकासी की जाएगी। इस समस्या का अस्थायी हल तभी संभव है। क्या दिक्कत है चाचा? बाबू तेरे घर के हमारे पूरा पट्टी भर के कोई जात है, कोई रार ही होत रहा है, सही जमीन ही नहीं जी। सब पूरा परिवार जियत खात रहा है। आज पशु के चारा बोए ला के रहे, खेते में पानी भरल रहे, जो पशु रख ले चारा नहीं दो पावा था। अच्छा, ये पानी सब, सब, सब ये पानी जो है नाली के पानी वाला है सब, जो लगा है दिखाई देता तो सब नापदान का पानी है एकदम से। आपके यहाँ है पीछे साइड है, ये बाजू उत्तर साइड में सब सभी कोई डार वाले सभी विध्वंस हो गए। हमन के खाई के साथ सब्जी कोई जात होकर के बाजार से खरीद के खाई पड़ा था।